अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो यह वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है, बस सर्विस रिप्लेसमेंट टू टेक प्लेस ऑन 11 अगस्त 2023 फॉर लूसेंट रैम। दोस्तों बता दूं आपको, कतर में आपको पता ही होगा बस सर्विस काफ़ी वहाँ पे फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बस सर्विस दिया जाता है। तो बस सर्विस का दोस्तों वहाँ पे टाइमिंग को 11 अगस्त से दोस्तों वहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, यानी बदला जा रहा है। तो बदला किस प्रकार का जा रहा है, रूट ऑफ दोहा मेट्रो एंड लूसेंट रैम टू बी रिप्लेस एमिड ऑन गोइंग मेंटेनेंस वर्क। यानी दोस्तों मेंटेनेंस वगैरह का कुछ काम है, इसी की वजह से साथियों दोहा मेट्रो लूसेंट रैम का रिप्लेस किया जा रहा है एमिड ऑन गोइंग मेंटेनेंस वर्क। तो जो भी भाई लोग आप लोग ट्रेवल करते हो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वहाँ पर बदला जाएगा। तो दोस्तों आप ट्वीट में भी देख सकते हैं, दोहा मेट्रो ग्रीन लाइन सर्विस अपडेट 11/8/2023 को रिप्लेसमेंट बस ऑन फॉर ग्रीन लाइन जो रूट 1 में होगा, वन वे फ्रॉम अलबिदा टू अल रिफा मॉल ऑफ कतर होगा। रूट 2 यानी राउंड 2 में वन वे ऑफ रिफा मॉल ऑफ कतर टू अलबिदा होगा, और रूट 3 में दोस्तों यहाँ पे शटल बिटवीन अल मंसूरा एंड अल दोहा जलेदा होगा। तो ये दोस्तों रिप्लेसमेंट फिलहाल अभी की गई है। इसमें कुछ और चीज़ें भी दोस्तों दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं बस जो बोर्डिंग पॉइंट होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिफा मॉल ऑफ कतर जो है वो दिया गया दोस्तों टू रिफा मॉल ऑफ कतर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2 यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशन सिटी का दिया हुआ है, कतर नेशनल लाइब्रेरी, सकाब, रेयान कदीम, मसील, हमद हॉस्पिटल, द व्हाइट पैलेस, बिद्दा, मिस्रिब, ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर दी गई। तो देख लीजिए, अब ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर बताया गया है। अगली खबर दोस्तों, 14-year-old यूसुफ बिकम द यंगेस्ट कतरी टू क्लाइम माउंटेन किलिमंजारो। साथियों आपको बता दूं, वीडियो के समय जो फोटो देख रहे हैं ये कतर का नागरिक है, इनका उम्र सिर्फ 14 साल है। तो दोस्तों इन्होंने एक तरह का मान के चलिए कि रिकॉर्ड बना दिया है, सिर्फ 14 साल की उम्र में इनका नाम है यूसुफ, जो कि यंगेस्ट कतरी है जो माउंटेन किलिमंजारो है वो चढ़ने वाला दोस्तों ये पहला बच्चा बना है। साथियों अब तक वहाँ पर बहुत सारे लोग चढ़े हैं, पर इतने कम उम्र वाले कोई बच्चे अभी तक नहीं चढ़े थे। तो ये 14 साल का बच्चा दोस्तों चढ़ के एक तरह का मान के चलिए वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों साथ दोहा एक्सपो को लेकर आ रही है। तो भाइयों जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोहा एक्सपो को नाम दिया गया है ग्रीन डेजर्ट बेटर एनवायरनमेंट। तो इसमें दोस्तों लगभग वहां पे एक 1.7 मिलियन स्क्वायर मीटर में दोस्तों इसे बनाया गया है, यानी वहां पे इसका इंतजाम किया जाएगा। लगभग 3 मिलियन लोग वहां पे आने की आशंका है, यानी लगभग 30 लाख लोग विजिटर वहां आने की उम्मीद है, और लगभग एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट 80 कंट्री, यानी लगभग 80 मुल्कों के देश के लोग वहां पे आने की संभावना दोस्तों बताई जा रही है दोहा एक्सपो में। साथियों दोहा एक्सपो को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां की गई, जैसा कि आप लोगों को पता है लगभग 50,000 लोगों ने अब तक वहां पे वॉलंटियर के तौर पे फॉर्म को रजिस्ट्रेशन वगैरह वहां पे कर चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।